दोस्तों फाइनली Realme ने आज चाइनीज मार्केट में अपने Realme GT 5 Pro को लॉन्च कर दिया है, जहां से ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन प्राइसिंग वगैरह बाहर निकल कर आ चुकी है। और दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में आएगा, तो आएगा या फिर नहीं। इसका प्रॉपर लॉजिक के साथ हम लोग बात करेंगे कि इंडियन मार्केट में आएगा या फिर नहीं आएगा, और आएगा तो क्या कुछ प्राइस पॉइंट पे आएगा, हर एक जानकारी इस वीडियो में आपको दे दूंगा Realme GT 5 Pro से रिगार्डिंग। तो बस आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो है गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे Realme GT 5 Pro के जो है जल्दी जल्दी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको 6.78 इंच का एक 1.5K रेजोल्यूशन के साथ में आने वाला कर्व्ड OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहाँ पे 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लगाकर दिया गया है। सामने की तरफ जो आपको पंचोल स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले है, जहाँ पे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। बैक की तरफ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा जो कि ऑप्टिकली इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आता है। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आता है। थर्ड कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है, जो कि यहाँ पे पेरिस्कोप लेंस वाले साथ में आता है। तो काफी ज्यादा कैमरा यहाँ पे अच्छी यूज करेगी, कैमरा में हम शिकायत कुछ नहीं कर सकते हैं। एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो है अगेन कुछ बड़ा दे देती, कुछ अच्छा कर देती तो अच्छा बताया था, बट नहीं, 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। बैटरी की बात करें तो 5400 एमएएच की बैटरी है, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है, एंड यहाँ पे जो आपको 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों मजे की बात यह है कि 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग भी इसमें दिया गया, जो कि अच्छी बात है। एंड यहाँ पे जो है आपको प्रोसेसर दिया गया है कॉलकॉम की तरफ से, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3, तो यहाँ पे हम शिकायत नहीं कर सकते, टॉप ऑफ द नॉच यहाँ प्रोसेसर प्रोवाइड करा गया है। एंड हाँ, 5G प्रोसेसर, इसके कारण स्मार्टफोन 5G बन जाता है। एंड यहाँ पे जो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, 3.5mm जैक मिसिंग है, डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, डुअल स्पीकर देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन जो है Realme UI 5 पे रन करता है, जो कि आपको एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉयड 14, तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी बात है। एंड दोस्तों Realme ने इसके साथ इंट्रोड्यूस करा कुछ पाम रिएक्शन, मतलब सेंसर वगैरह लगाया गया स्क्रीन में, और यहाँ पे आप अपने हाथ से उसको वर्क करा सकते हो, ऐसे मतलब ऊपर से ही फ़ोन को बिना टच किए हुए ऊपर से ऐसे ऐसे करके काम कर सकते हो, कुछ करोगे तीन उंगली दिखाने पे स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेगा, तो ऐसे कुछ वर्क्स यहाँ पे इस फ़ोन में करा जाएगा, मतलब ऐसा इनबिल्ट कर यहाँ पे दिया गया है। तो ये रही स्पेक्स की कहानी Realme GT 5 Pro की। अब दोस्तों मैं आपसे बात कर लेता हूँ यहाँ पे इसके प्राइसिंग के बारे में। तो देखिए, चाइनीज मार्केट में स्मार्टफोन मल्टीपल वेरिएंट्स में लॉन्च करा गया है, बट मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इसके बेस वेरिएंट के बारे में बात करूंगा, जो कि निकल कर आता है 12GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी जो प्राइसिंग है वो रखी गई है 3399, जिसको अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो वो निकल कर आता है तकरीबन 40,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 40,000 रुपीज़ के आसपास हमें स्मार्टफोन देखने को मिलता है चाइनीज मार्केट में। अब दोस्तों यहाँ पे इसकी प्राइसिंग जो है चाइनीज मार्केट के लिए कुछ कम रखी गई है, कुछ इनिशियल स्टार्ट सेलिंग प्राइसिंग का वहाँ पे जो है 1,000 रुपये कम कर दी गई है, उसकी हम बात नहीं करेंगे, चाइनीज मार्केट में प्राइसिंग रखी गई है। बट दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 40,000 रुपये चाइनीज मार्केट में इसकी प्राइसिंग रखी गई है, जब इंडियन मार्केट में आएगा तो इसकी प्राइसिंग आप मानकर चलो कि 50,000 के आसपास हो जाएगी। अब 50,000 रुपये में क्या कोई स्मार्टफोन Realme का परचेज करेगा, मतलब 50,000 कोई फोन परचेज कर रहा है क्या? जी का फोन है भाई, Realme का है। देखो Realme जो है अपना नाम बनाई है बजट फोन के ऊपर, 15,000-20,000 का फोन अच्छे से खासे बेच लेती है, मैक्सिमम 25,000-30,000 भी एक समय के लिए मतलब हजम हो जाता है। बट 50,000 का फोन, आपको पता है कि इससे पहले भी Realme ने GT सीरीज लाया था इंडियन मार्केट में, बट वो चली नहीं, इसी कारण उसको डिसकंटिन्यू कर दिया इंडियन मार्केट से। बट फिर से यहाँ पे GT 5 Pro का बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ है कि इंडियन मार्केट में कंपनी इसको लेकर आएगी, तो मे भी हो सकता है कि बस एक फ्लैगशिप दिखाने के लिए कि हाँ भैया हमारा ही फोन इंडियन मार्केट में फ्लैगशिप फोन है, तो लेकर आ सकती है। बट बेचने के मोटो से तो मुझे नहीं लगता लेकर आए, क्योंकि 50,000 का कोई Realme का फोन इंडियन मार्केट में मतलब बहुत कम ही, मतलब बहुत जो Realme के एकदम डाई हार्ट फैन होंगे ना वही परचेज करेंगे। भाई मैं भी Realme का फोन यूज करता हूँ, मैं 50,000 का Realme का फोन परचेज नहीं कर सकता हूँ। Realme का फोन 20,000-25,000-30,000 तक भी ठीक है, बट 50,000 का Realme का फोन परचेज कर लेंगे? इंडियन मार्केट वैसी है ही नहीं, और इंडियन मार्केट में Realme ने अपना पहचान ही बनाया है कि हम भैया हम बजट फोन उतार रहे हैं, और 50,000 का फोन Realme का नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो बहुत कम चांस आने के, और आएंगे भी तो मैं कहूँगा इग्नोर कर देना, मतलब इग्नोर ही करो समझो, तो 50,000 का Realme का फोन कोई थोड़ा ही लेगा भाई। खैर यही जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था Realme GT 5 Pro से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नई वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।